अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत? मैं हूं अपना जदनी खान, तो तुसा रहते पे मेरा यूट्यूब चैनल जवेद इकबाल व्लॉग। दोस्तों उम्मीद है खैरियत ना सो, खुशबाश हो सो, ठीक ठाक हो सो। दोस्तों आज असा बहु लंबा सफर करें पे हैं, तो बहु इंटरेस्टिंग सफर थी वाला है इंशाल्लाह। देख सो बहु मजा आसी आज वेंदे पे हैं असा। तुम्हारे सामने देख पिछु सीन देखो, दरियाए सिंध की कमर के उत्ते खड़े हैं। थे सफर करें पे ये दोस्त नाल ही देख, ये देख सकते हैं। देख मेरा उस्ताद है मोहतरम गुलाम मिलादी, नाल दिया उस्ताद यानी कि यूट्यूबर उस्ताद मोहम्मद रमजान तराना साहब मेरे नाल खड़े थे। आज बहुत लंबा सफर थींदा पे, केड़ी जात वेंदे पे हैं? गंजू। हाँ गंजू तो वेंदे पे हैं। आज प्रोग्राम है सादा इंशाल्लाह, बहुत इंटरेस्टिंग सफर थी वाला है। मेरी वीडियो देखने पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे सो, नाल बेल आइकन का बटन दबे सो, ताकि हर आने वाली वीडियो तो आपको बासानी मिल वजे। दोस्तों जुलते हैं आज तो बेड़ी की सैर दिखे दें। देखो बेड़ी क्या होंगी है, किमें तरती है, क्या सिस्टम होंगे, क्या रूटीन होंगी है। जुलते हैं दोस्तों, बुजुर्ग बैठे थे, देख तुम दूर को देख सकते हो इन्होंने हाल हवीला ही करें इंशाल्लाह। अज बहु मजा दोस्तों जुलते पे बुजुर्गों को देख, ये पास का मंजर देखो। आज दरिया बहु छोटा थिया पे, हाँ इवें बिल्कुल सर्दियाँ इन पानी की बंदिश थी वे जो सारे सरेक जन बंदी आ गई है, तो शिकारी शिकार खेदन पानी घट वेंद इनते दरिया बहु बर्बाद है। कम अज कम हजारा एकड़ रकबे इतना जन के जमीन बुरद थी गए, पानी के बीच लुट गए। जुलदे हैं देख, अलहमदुल्ला साढ़े इलाके सब्जे की कोई कमी कहानी, ये फसल सारे तैयार हैं, कहीं किस्म टेंशन कहानी। अल्लाह का लख लख शुक्र है साढ़े उत्थे ई साइड तू तले अगर देखो तो अंदाजा थी वैसे साढ़े इलाके कितना सब्जा है पिया। इतना सारा दिन माल मवेशी यानी कि ज्यादातर छोटा माल भेड़ा बकरिया ये इतना सारे दुआ चढ़ देना अपना पेट भरे दिन। जुलदे पे बुजुर्ग नाल हाल हवीला करें हैं। बस इवें नेड़े आ गए हैं। देख दोस्तों इस साइड तो देख सकते हो, देख रेत निकती पई है, तो मैं थोड़ा जूम करके दिखा सकता ए हाल ही कुछ और जूम ए बिल्कुल ये सारा समंदर दरिया सिंध का सीन है। तुम सोचे उस दरिया सिंध क्या है, दरियाए सिंध जड़ी है बहु वड़ा दरिया सारे पाकिस्तान। तुम किताबों तो पढ़ते हो सो दरिया सिंध बारे, सारा सिंध दरिया जड़ा है सारे मुल्क की अगर पहचान ही की वजे यानी कि अहम लफ्जों के तो वादन पे पाकिस्तान दरिया सिंध है पिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल बुजुर्गो? ठीक ही वे, खैरियत? कितना वेंदे पे वे, कितों आंदे पे वे? रमक ते चाचा तू किथा आंदा वे? अच्छा बेड़ी दिन इंतजार बैठे हो? केड़े वेले आए बैठे हो चाचा? 7 बजे दे, 7 बजे दे हाले बेड़ी कानी चली पेरे मुहाणा कोनी आया मुहाणा ही ने किथु दे मुहाणा पता नहीं पूरा थीसी से बेड़ी चाची हाए कितना ये समझ। अच्छा ये तकरीबन 11 बजे बेड़ी चली 10-11 बजे टाइम यार वो बेड़ी सही है दूजी यार वो तो पूर थी ने बराबर कोई देर नहीं थी वो कितना खड़ी बेड़ी साकू ई दा के ना बेड़ी दा आज ई दे पहले आज ई दे तो सफर कर ना तो चुका करें
दोस्तों मदद करे सारे दोस्तों को क्योंकि कुछ यानी कि सिस्टम इवें आता कि यानी कि पीटर की आवाज़ यानी कि जो आवाज़ हैं कुछ दोस्तों को पसंद नहीं आता वास्ते मैं सारा या दोस्तों को मदद करे कि मैं को बाद यानी कि आवाज़ टाइप करके देवनी पैगी है दोस्तों बिस्मिल्लाह करके सफ़र रवाना थी गया तो देख सकते वे हाल है बिल्कुल कमर तो हूँ निकलते वे हैं बस दुआ करे सो बैठे कि अल्लाह खैर खरीद ना सब पहुँचा देवे बहुत ज़्यादा स्पीड ही होते हैं तो कम अज़ कम मोटरसाइकिल की चाल ही स्पीड जिमें होती है ना अच्छे रोड से बेड़ी पानी दे स्पीड ही तकरीबन हूँ सारी वधी है तई देखो बिल्कुल हर पास पानी ही पानी है कितनी कितनी जिम्मे विराट आ वे देख सकते वे देखिए वो शाफट है भाई जी मैं तो पहले दिखाई है यानी कि पखा जरा फिरकदा पल्ली साइड तो देख सकते वे देख उत्थान इवें कमर नुमा करम बड़ी हुई है हे विराट लेकिन दरिया यानी कि जूं नाल तेजी नाल क्रॉसिंग करेंद तो एक एक आर कर कप छुड़ेंद हूँ तो देखो बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त सीन है हर पासों पानी भी पानी है इतना कोई विराट नहीं दिसदा इवें महसूस दिता जिमें बेड़ी समुंदर चलती होती हो बहुत ही जबरदस्त सीन है ये दोस्तों जरा तुम दिखे ये घोमरा है पिया यानी कि पानी का जो ही प्रेशर पड़ते उतना सह कटते यानी कि जिम्मे सह होते नहीं मेरे उस्ताद मोहतरम है गुलाम मुहम्मद रमजान और नाल गुलाम मिलादी साहब बैठता है ये दोस्तों देखो ये उवें सारा सिस्टम जिम्मे मैं तो पहले दस देख जूम करके दिखाया मैं तो माशाल्लाह अल्लाह खैर करे बिल्कुल ये विराट है पिया हाल तो दोस्तों सफ़र कि रवाना थे वे कमोद पे सकूँ अद्धा घंटा थी गए बेड़ी ते चढ़े चढ़े क्योंकि एक साइड तो बई साइड ती बेड़ी कमो पे जड़ी पासे पानी यानी कि मुखालिफ साइड ते हो तो घंटा लेंदी है तो वापसी ते अद्धे अद टाइम घट पे यानी कि घंटे जाते अद्धा घंटा लगते ये बेड़ी मैं तो जूम करके कहता पे शिकारियों की बेड़ी है जो ही असं क्रॉस की सारी बेड़ी आए यानी कि जरा उस्ताद है धुआं दीते भाई आओ मिल आओ यानी कि तड़ी मारी अस तो वो ही हूँ जोर दिन देख जोर मरेंद देख सकते वे बिल्कुल सारे नेड़े आ गई है बेड़ी क्योंकि छोटी बेड़ी है बिल्कुल सीधा पानी पाँदा पे तो उस स्पीड ही जाती पे हूँ खास वजह नहीं करनी साड़ी बेड़ी तो बहुत ज़्यादा वजन है पिया वास्ते ज़्यादा स्पीड उस्ताद नहीं मरेंदा ये तकरीबन शिकार है तो शिकार खेल के वाले आदि ये बात विराट है पिया यानी कि कमर तो नहीं आख सकते विराट अद यानी कि रेत कट्ठी टाई पी हो दोस्तों हूँ वह पे बहुत ही खतरे वाली जगह थे अल्लाह खैर करे बस दुआ करे सो बैठे ये दोस्तों तो देख सकते वे शोला है पिया दरिया शोला मरेंदा पे इतना यानी कि ये एक साइड को दरिया उच्चे बई साइड को झेका वाले पास यानी कि बस तो मिसाल लेव जिम्मे आते नहीं कि इवें आए जिम्मे झीक दो पानी आते ये बस झीक दो पानी वह पे बहुत ज़्यादा इतना यानी कि झागिए देख सकते बिल्कुल इतना शुकाट मचाई पे बहुत ज़्यादा आवाज़ आई पी इतना पानी का तो नाल पीटर दी वास्ते मदद करे मैं बार बार कि मैं तो इंटर ओरिजिनल पानी की आवाज़ ना सुनवा सका भाई पानी का ओरिजिनल आवाज़ कह जाऊँ दे तो देख सकते वे देख हाल ये शोला ही शोला है पियाँ देखो ये जहा देखो देख बहु ही जबरदस्त जहा है भाई डराकली जहा है बहु ही डराकली जहा है दोस्तों देखो तुसा ये विलाग बनाने का मकसद है जो दोस्त बेड़ी के ना तो डरते हैं या बेड़ी तो कि सैर नहीं की थी तो ये उन्हां वास्ते बनाया गया भाई बेड़ी को अल्लाह ताला बड़ी ताकत दी होंगी तो लकड़े तो बड़ी ताकत दी ये देखो ये जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह है भाई बहुत खतरनाक जगह है भाई देख सकते रे पानी शोला मरेंदा पे बहुत ज़्यादा यानी कि पावर पानी वह पे क्योंकि उस तो झीक वाले पास वह पानी तो अपने अखी दोस्तों देख सकते रहे कोई झूठ नहीं कोई फ्रेम नहीं बिल्कुल कोई एडिटिंग नहीं की गई पानी के बारे तुम देख सकते हो बहुत ज़्यादा शोला जिम्मे समुंदर के शोला होंगे उतने तो नहीं
बस अल्लाह बचावे। इधर सिंध का खसूसी यानी कि मंजर ये पिया बहुत ज़्यादा यानी कि जो लोग अक्सर इन जगह को आके रहते हैं क्योंकि ये जगह में अजीब किस्म दी है। बेड़ी दोस्तों जी मुकाबले के बच्चे आई वो बिल्कुल पिछड़ा गई है तुम देख सकते वे क्योंकि अस कमर उत्ते लगन वाले हैं तो वो कमर उत्ते लगन वाले लगता तो मेरे को इवें बिल्कुल कमर नेड़े आ गई है। चलो तो दोस्तों आज कमर की सैर ही करवाते पे हैं। ये देख दरिया का दूजी साइड यानी कि दरिया सिंध की दूजी साइड हूँ बिल्कुल पहुँच गए हैं। इंशाल्लाह दोस्तों दुआ करे सो दोस्तों देख सकते हो अस बिल्कुल दूजी कमर के उ पहुँच गए हैं। हूँ लावन वाले हैं मोटरसाइकिल अस लेंदे पे हैं दोस्त सारे लह गए इंशाल्लाह। ठीक है दोस्तों अगर मेरी वीडियो तो पसंद आई हो लिखने तो कमेंट्स करे सो लाइक करे सो मेरे चैनल सब्सक्राइब करे सो। ठीक है दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग। खुदा हाफिज़।